अरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का लेसन नंबर 2 ब्रिंगिंग अप कारी, कारी का पालन पोषण पाठ पढ़ेंगे। कारी एक हाथी के बच्चे का नाम है। आओ इसकी मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर दोहराते हैं। वर्ड मीनिंग्स, स्क्वेल एस क्यू यू ई एल, स्क्वेल चिंघाड़ना, क्राई या ट्रम्पेट टी आर यू एम पी टी, ट्रम्पेट माने चिंघाड़ना। ल्यूसियस LUSCIOUS, ल्यूसियस रस भरी, टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग। एस्ड HATCHET, हैच्ड कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी, स्मॉल एक्स जिसको कहेंगे। मल्टीकेटेड MULTICATED, मल्टीकेटेड अव्यवस्थित ढंग से कटी हुई। डिसफिगर्ड लासो LASSO, लासो, लासो में नहीं होता है फंदा या रस्सा। रोप विद ए नोज एट द एंड, नेक यानी कि गले के चारों ओर रस्सी। पेवलियन PAVILION, पेवलियन, पेवलियन होता है तंबू। मारक्यू MARQUEE, ग्रीव GREW, ग्रीव, ग्रीव में होता है बड़ा होना। मेच्योर MATURE, मेच्योर बड़ा होना। चीव CHEW, चीव, चीव मीनी चबाना। मेस्टिकेट MASTICATE, मेस्टिकेट चबाना। इंस्टांट INSTANT, इंस्टांट अक्षण या पल। मोमेंट MOMENT, मोमेंट अक्षण। ग्रेजुअली GRADUALLY, ग्रेजुअली धीरे धीरे, सेकेंड मीनिंग है सेम मीनिंग। स्लोली SLOWLY, स्लोली मीनिंग धीरे धीरे। डिसअपियर DISAPPER, डिसअपियर गायब होना, सेम मीनिंग है इसी का। वेनिस VANISH, वेनिस गायब होना। इंज्योर्ड INGURED, इंज्योर्ड जख्मी, घायल होना। वाउंडेड WOUNDED, वाउंडेड घायल जख्मी। ट्विग्स TWIGS, ट्विग्स छोटी छोटी टहनियाँ। ब्रांचिज सैपलिंग SPALLINGS, सैपलिंग छोटे पौधे, स्मॉल प्लांट्स। परमिशन PERMISSION, परमिशन अनुमति देना, अलाउ। अब देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। द इनक्लोजर इन विच कारी लिव्ड हैड ए थैस्ड रूफ दैट ले ऑन ए थिक ट्री स्टेप, व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे, हाथी घास फूस के एक छप्पर में रहता है, मोटे पेड़ के तने पर टिका हुआ, ऐसा इस प्रकार क्यों बनाया गया है। द थेस्ड रूफ घास फूस की छत ऑफ कारीज पेवलियन कारी के पखवाड़े में, रेस्टेड ऑन ए थिक ट्री, रेस्टेड में टिकी हुई, ऑन ए थिक ट्री एक मोटे पेड़ के ठूट पर, स्टंप, सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल इन, यह गिरे नहीं। वेहन जब कारी बम्प्ड, बम्प्ड मीन होता है टकराना, अगेनस्ट द पोल, जब कारी पोल के विरुद्ध टकराए, एज ही मोड अबाउट, जब वह घूमे फिरे तो वह गिरे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड कारी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, रिवर में नहीं नदी, क्या कारी नदी में सुबह के स्नान का आनंद लेता है। गिव ए रीजन, एक कारण दीजिए, फॉर योर आंसर, अपने उत्तर में एक कारण दीजिए। आंसर है यस, हाँ, कारी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, कारी नदी में सुबह के स्नान का आनंद लेता है। ही वुड लाई इन द वाटर, वुड लाई मनी लेटा रहना, वह पानी में लेटे रहता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक ए लॉन्ग टाइम, कारी के लिए अच्छी टहनियों को ढूंढने में बहुत समय लगता है, वाई मनी क्यों। द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री, ऑथर लेखक को क्लाइंब चढ़ना पड़ता है, ऑल काइंड ऑफ ट्री सभी प्रकार के पेड़ों पर, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, टू गेट मन प्राप्त करने के लिए, मोस्ट मन ज़्यादातर, डेलिकेट मीन कोमल एंड टेंडर ट्विग्स, और स्वादिष्ट पत्तियों को लाने में समय लगता है, इट टू के लॉन्ग टाइम, इसमें लंबा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड, अपने मित्र को क्यों धकेलता है, इन टू द स्ट्रीम, नाले में क्यों धकेलता है। कारी सा ए ड्राउनिंग बॉय इन द स्ट्रीम, कारी ने नदी में एक डूबते हुए लड़के को देखा। ही वुड नॉट सेव हिज लाइफ, वह उसके जीवन को नहीं बचा सकता,
अलोन अकेला सो इसलिए ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम इसलिए उसने अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। कारी वाज लाइक ए बेबी कारी एक बच्चे की जैसा था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन कंपैरिजन के मुख्य बिंदु कौन से हैं। आंसर है कारी वाज लाइक ए बेबी कारी एक बच्चे के समान था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड उसको एक अच्छा कुशल बनाया जा सकता था। ही वाज टू बी स्कोल्डेड उसको डांटा जाता था। स्कोल्ड मीन डांटना। वेहन ही वाज नोटी जब वह शरारती था। ही स्टोल फ्रूट्स लाइक ए बेबी वह एक बच्चे की तरह फलों को चुराता है। एंड एट देम अप और उनको खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू गेट ऑल द बनानास इन द हाउस कारी घर में केलों को प्राप्त करने के लिए स्वयं की मदद करता है। विदाउट एनीवन बिना किसी की मदद से नोटिसिंग दिखाई दिए इट हाउ डिड ही डू इट वह कैसे कर सकता है। द बनानास वर प्लेस्ड इन ए बिग प्लेट ऑन द टेबल नियर द विंडो खिड़की के समीप मेज पर एक बड़ी प्लेट में केलों को रखा जाता था। कारी पुट हिज ट्रंक इनसाइड द हाउस कारी ने अपनी ट्रंक में सूंड घर के अंदर रखी। थ्रो द विंडो खिड़की से टू द बनानास केलों के लिए एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानास और सभी केले गायब हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक कारी को सीखने के लिए बैठने के लिए और चलने के लिए कमांड सिखाई गई थी। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड प्रत्येक कमांड के लिए क्या निर्देश थे। आंसर है इफ़ यू से यदि आप कहेंगे धात डी एच ए टी धात एंड पुल हिज ईयर और उसके कानों को खींचेंगे देन कारी विल सिट तब कारी बैठ जाएगा। इफ़ यू से और यदि आप कहेंगे माली एम ए एल आई माली एंड पुल हिज ट्रंक उसकी सूंड को खींचोगे फॉरवर्ड आगे की ओर कारी विल वॉक कारी चलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द मास्टर कॉल मुख्य कॉल क्या है मुख्य आवाज़ क्या है। व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर ए एलिफेंट टू लर्न हाथियों के सीखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत क्यों है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग एक मुख्य आवाज़ एक तरह की अजीब सी फुफकार है। ओवलिंग साउंड शोर करती हुई आवाज़ एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग जैसे कि एक सांप और एक चित्ता वर फाइटिंग लड़ते हैं वन ईच अदर एक दूसरे से। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन द एलिफेंट्स ईयर तुमने हाथी के कान में भी ये आवाज़ सुनी होगी। हियरिंग दिस कॉल द एलिफेंट्स कम्स टू नो इससे हाथी सीख जाता है दैट हिज मास्टर हैज़ लॉस्ट द वे उसका स्वामी रास्ता खो गया है। देन द एलिफेंट स्टार्ट पुलिंग द ट्री तब हाथी स्टार्ट शुरू हो जाता है पुलिंग द ट्री पेड़ों को खींचना इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने एंड मेक्स ए रोड राइट द जंगल और जंगल में सीधा रास्ता बनाने लगता है। तो बच्चों इस पाठ का लेखक है धन गोपाल मुखर्जी। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।